यस चैनल के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 का इंतजार हो रहा है बड़े ही बेसब्री से। इन सब के बीच बिग बॉस ओटीटी की हम बात करेंगे। बिग बॉस ओटीटी में आप सभी को कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स दिख रहे होंगे जिन्होंने टीवी की दुनिया में खूब राज किया। सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं यहाँ राकेश बापत के बारे में। 42 साल के राकेश बापत, जिन्होंने रिधि डोगरा से साल 2011 में शादी की और साल 2019 तक इनका रिश्ता भी चला और इसके बाद ये हमेशा के लिए अलग हो गए एक दूसरे से। जी हाँ, रिधि डोगरा ने राकेश से शादी की थी। ये दोनों फिर 2 साल पहले से सेपरेट हो गए हैं। क्या आपको मालूम है, फिल्म तुम बिन में राकेश को आपने देखा, बॉलीवुड एक्टर बनने के अलावा टीवी में उन्हें ज़्यादा पहचान मिली। तुम बिन फिल्म भी उनकी अच्छी रही थी। इसके अलावा उन्होंने टेलीविज़न शो सात फेरे, सलोनी का सफ़र, मर्यादा लेकिन कब तक के अलावा कबूल है में काम किया और उनको काफ़ी ज़्यादा इन शोज़ में पसंद किया गया। खैर, बात यहाँ पर राकेश की हो रही है तो शमिता शेट्टी के साथ उनके नाम खूब जुड़ रहे हैं। लेकिन बताना चाहेंगे हम आपको, डाइवोर्स लिया था जब राकेश ने तो उनके रिश्ते के पीछे कई राज खुले थे। राकेश ने कहा था, माई मैरिज एंड डिवोर्स आर ऑल इन द ओपन, वी एमिकली हैड अ वेरी नेचुरल कोर्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट एंड स्टिल आर वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स इच अदर, नो मर्ज सिलिंग हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन। ये उन्होंने कहा था, डाइवोर्स अपनी मर्जी से उन्होंने ली थी। वैसे तो बिग बॉस में शमिता के वो काफ़ी करीब आ रहे हैं, लेकिन तलाक को लेकर जो उन्होंने खुलासे किए थे शो में आने से पहले, उन्होंने कहा था उन्हें परिवार की काफ़ी चिंता भी रही। शो में भी उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि एंजाइटी की समस्या उन्हें हुई थी और बिना सोए वो लगातार रहे थे। बहन और माँ को उनकी बहुत चिंता थी, वो टूट रहे थे उस दौरान। तलाक के बाद वो काफ़ी बुरे मुश्किलों से भी गुजरे थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से चुप्पी की रिपोर्ट।